दंतेवाड़ा के पाहुरनार इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आने से जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी इंद्रावती नदी पर बन रहे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि इंद्रावती नदी पर ग्राम पंचायत पाहुनार में आईडी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गए। इंद्रावती नदी में पुल निर्माण का कार्य जारी है, जहां ड्यूटी पर जवान तैनात किए गए हैं। दोपहर के समय सभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ जवान खाना खाकर उठ चुके थे, लेकिन लक्ष्मीकांत द्विवेदी पेड़ के नीचे ही आराम कर रहे थे। इसी दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट हो गया। इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। नक्सली अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और पुल निर्माण में बाधा बन रहे हैं। दुर्घटनापूर्ण घटना में इंद्रावती नदी के ऊपर जो छिन्नार घाट में जो पुलिया बन रहा है, क्योंकि नक्सली पुलिया से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। फोर्स को नुकसान करने के लिए उन्होंने एक आईडी लगाया हुआ था, जिसकी चपेट में आने से एक हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी जो है शहीद हो गए। चारों तरफ सर्चिंग किया जा रहा है और माओवादियों को घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।